वहाँ तो मैं चिल्ला देता था अमित आ रहा हूँ तो ऐसे ही करके ब्रिटिश एक्सेंट में प्रकाश व्हाट इज चुड़ैल मैडम चुड़ैल पीपल ट्री यू नो पीपल ट्री feet opposite hanging upside down you see and you run madam chudai jamtara और मिर्ज़ापुर काठमांडू कनेक्शन मैं जो ये इंटेंसिटी बिखेर रहा हूँ ये आर्टिस्ट मर रहा था अंदर से एक्टर मर रहा था अंदर से उसमें एक छोटी सी लड़की है छोटा सा लड़का है एक बाप है कमाल यार मतलब रोना आ जाएगा सबको बता रहा हूँ क्योंकि सर सब कुछ लिखा है वाइफ को पता है कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ एक लिस्ट आ गई कि आम केला सेब भिंडी पालक ये सब ऑर्डर कर दें तो मुंबई में ये प्रॉब्लम है कोई भी फिल्म छोटी या बड़ी अपने ख्याल से होती है आइडिया थॉट और उस उम्मीद से होती है जो वो देखने वाले के दिल में छोड़ जाती है एक बहुत प्यारी फिल्म देखी है मैंने तिक्रम ऐसी खूबसूरत जगह को कोई छोड़कर जाता है जाते हैं मुझे शहर में नौकरी मिल गई है किड्स कैन लिव विदाउट फादर नॉट विदाउट फूड हम गॉड से बोले कि हमें बस पापा चाहिए कपड़े खिलौनों जूतों से ज्यादा चाहिए और इसकी जो कास्ट है भाई साहब वो तो एकदम बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है उसमें है अमित सियाल एक से एक धुरंधर गुंडों वाले रोल करने वाले इतने प्यारे रोल में आपको दिखेंगे दैट यू योरसेल्फ वुड बी सरप्राइज प्लेजेंटली और उसके डायरेक्टर हैं विवेक अंचलिया तो भाई अमित आप इतने ये भोले बन के ना बैठिए जमतारा मिर्ज़ापुर काठमांडू कनेक्शन उसी जोन में थी मुझे लगा अब ये खुराफात करेगा पूरा सफर बताइए कैसे फिल्म आई और हाँ क्यों किया आपने तो जैसा आपने मेरे बारे में बताया अभी कि जमतारा और मिर्ज़ापुर काठमांडू कनेक्शन इनसाइड एज तो इसलिए शुरू हुआ था मतलब इसलिए करा मैंने जो करा उसमें कि अब या तो यही है या तो कुछ नहीं है तो सुनना ही नहीं है किसी की इस तरीके से किया मैंने वो और वो एग्जैक्टली वही था जो उस समय में फील कर रहा था अपनी लाइफ में तो चल गया अब क्या वो देख के लोगों को लगा कि भाई इसको ये ना बहुत इंटेंस आदमी इसको ना इंटेंस देते रहो अब क्या आपको मज़े भी आ रहे हैं काम भी मिल रहा है ना सब बाढ़ का जो है वो पानी जो है वो फैल गया है आपकी ज़िंदगी में और मज़े आ रहे कभी आप उधर जा रहे हो कभी गाड़ी मुझे ये सब बड़ा अच्छा लगता था कि आप ना इस शूट से अब इस शहर से उस शहर जा रहे हो है ना गाड़ी में ही सो रहे हो कभी हवाई जहाज़ में सो रहे हो कभी यू नो कभी सेट पे जाके सो गए फिर किसी ने उठाया फिर मेकअप करवाया शादी से पहले की बात है ना हाँ शादी से पहले की बात है ना कि ये शेड्यूल नहीं ये सब शादी की बात की ही बात है लेकिन मुझे बड़े मजे आ रहे थे कि बहुत सालों से ये सब मिला नहीं था करने को मतलब काम हम कर रहा था मैं बट राजेश खन्ना वाली लाइफ हाँ फ्रीक्वेंसी नहीं थी ऐसे काम की उसके बीच में ये इंटेंस करते करते मुझे एक दिन रियलाइज हुआ कि इंटेंस ही हो गया हूँ क्या मैं तो मैं एक्चुअली में अपना जो एक दूसरा मतलब आप एक चीज नहीं होते हो ना जब आप इंसान होते आप हंसते भी हो रोते भी हो हंसाते भी हो रुलाते भी हो सब कुछ करते हो तो एक ही चीज़ करते मज़ा उसमें बहुत आ रहा था ऐसा नहीं कि उसमें मज़ा नहीं आ रहा था उसके बीच में बेहतरीन सा एक रंग बिरंगा सा पिच डेक आता है इनकी तरफ से मुझे फॉरवर्ड किया जाता है मैनेजर्स के थ्रू तो मैं देखता हूँ और वो एकदम से टंग करके घंटी बजती है और उसमें वो ऐसा पिच डेक नहीं था जैसा आता है पीपीटी टाइप का ना वैसा नहीं था वो तो उसमें एक क्या स्केचेस बने हुए हैं ना पेस्टल कलर से उसमें एक छोटी सी लड़की है छोटा सा लड़का है एक बाप है एक दादा है एक दादी है सबका कैरेक्टर क्या है वो लिखा हुआ है वो सब कुछ बहुत कलरफुल है और बहुत प्लीजिंग टू दी आई है बिल्कुल तो वो ना रह गया अंदर वो रह गया मैंने बोला भाई ये फिर मैंने वो पढ़ा स्टोरी क्या है इट वाज ब्यूटीफुल नो वेरी सिंपल स्टोरी ऑफ फादर हु इज अ विडोअर उसके दो बच्चे हैं घर में एक दादा दादी एक क्विंट सा लिटिल सा टाउन है हिल स्टेशन में और नौकरी करता है सब कुछ बहुत बढ़िया है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है लाइफ में अब सडनली क्या है कि नौकरी जाने वाली होती है और वो उसको अब जाना बाहर नौकरी करने उसने ज़िंदगी में इन बच्चों को अपने परिवार को पीछे कभी नहीं छोड़ा है तो वो है एक और वो मैंने पढ़ा और मैंने कहा ये तो मुझे करना है यू नो और क्या है ना कि आप जब बहुत ज़्यादा बिजी होते हो या आप मतलब मैं अपनी बात करूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी था आई थिंक क्रेविंग फॉर समथिंग लाइक दिस कि मैं जो ये इंटेंसिटी बिखेर रहा हूँ ये ठीक है, लोगों को अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, पैसे वैसे आ रहे हैं, खचा खच ATM भर रहा है, यू नो, तो वो सब अच्छी बात है। कितने साल के कितने आ रहे थे ये सब थोड़ी ना बताते हैं, ठीक है। तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन आर्टिस्ट मर रहा था अंदर से, एक्टर मर रहा था अंदर से कि नहीं यार ये तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ यू नो कुछ आई थिंक वो बर्नड आउट। मुझे नहीं पता था ये सब टर्मिनोलॉजीज, बर्नड आउट है ना, मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ कि आई एम बर्निंग आउट, यू नो मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सर सब कुछ जो हम लोग बात करते रहते हैं सब कुछ लिखा है, समझे आप, सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ। और ये लिख के आया था मेरे, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसके बारे में भूल भी गया था कि बाकी काम में फिर से बिजी हो गया मैं, ये वापस लौट कर लिखने में भी हमने बहुत टाइम लगाया। हाँ, बट वो क्योंकि लिखा हुआ है सर, वो लिखा हुआ नहीं था, तो हुआ क्या एक्चुअली, तो मैं भूल गया, इन्होंने भी याद नहीं दिलाया। हाँ। पिच भेजने के बाद। हाँ। तो आई थिंक इसके बीच में कुछ दो महीने का टाइम निकल गया था, तो ये लोग अपना और स्टोरी पे काम करने लग गए। मैं वापस आया, थोड़ा काम करके थोड़ा यू नो फ्री हुआ, तो बैठा, तो मेरी क्या आदत है, मैं जो मैसेजेस वगैरह जो याद नहीं रहते हैं, या मैं हमेशा टटोल लेता हूँ अपने मैसेजेस ना, कि कुछ मिस तो नहीं हो गया, कुछ आया था ये वो, तो फिर वो दिखा, तो मैंने कहा यार ये तुमने बात करी क्या, करेक्ट। तो उन्होंने फिर फ़ोन किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं वेरी गुड कि आपने इतने दिनों के बाद फ़ोन किया, क्योंकि हम लोग अब ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड हैं, एंड दैट इज़ हाउ द जर्नी टू दिस फिल्म स्टार्टेड। जब हम लोग मिले जब पहली बार, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये था, क्योंकि आई थिंक मैं खुद ही इतना मे बी लॉस्ट हो गया हूँ अपने अंदर एज एन एक्टर, वो यू नो रिडंडेंट वही इंटेंस चीज़ें करते 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 कि आपको अपने ऊपर ही शक होने लग जाता है कि मैं कुछ और। तो मैंने इनसे पूछा कि ये जो आपने मेरा काम देखा है क्या ये सब, हाँ देखा है। तो मेरे पास कैसे आ गए आप ये सब लेके, वाह यू नो, मतलब मूँछों पे डिस्कशन हुआ, तो मैं ये पता नहीं मैं कुछ मूँछों से काट के, मूँछे ना अपनी जो ये फिल्म का लुक है ये अमित ने खुद वहाँ पे बुला के काट के बनाई है। तो अच्छा। तो क्या ना एक्टर लोगों के घर पे ना ये सब दाढ़ी मूँछ थोड़ा पड़ा रहता है, तो कुछ पड़ी थी, तो मैंने कुछ, हम लोग ट्राई कर रहे थे, तो इनको पहले भी कुछ ट्राई करा था, अच्छी लग रही थी, पता नहीं क्यों आया दिमाग में, तो मैंने ऐसे काट दी थोड़ी सी ना, ऐसी नथुराम जैसी टाइप की मूंछें। और कमाल की बात यह है सर कि हम लोग जब गए वहाँ शूट करने, सॉरी मैं थोड़ा छलांग मार रहा हूँ, तो जिनका वो होटल था उस गांव में खुरपा ताल में, इनका वो होटल था, वो एग्जैक्टली ऐसी मूंछें थी उनकी, एकदम एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि लिखा था, क्योंकि लिखा हुआ है। तो इस तरीके से करके फिल्म, ये मुझे ये चाहिए थी, और इस ऐसा कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं जो करते हो अपनी खुशी के लिए, लेकिन वो आपके अंदर कुछ और खोल देती हैं। सही बात है, मेरे लिए वो फिल्म है। सही बात है। और यही चक्कर है कि कभी मुझे भी ऐसा लगने लग गया होगा सबकॉन्शियसली कि मतलब मेरे पास क्यों आए, यू नो अंदर से खुशी भी हो रही थी बहुत कि मेरे पास आए। लेकिन मुझे इस बात पर तो यही कहना है कि आई थिंक ये हमारी ही कहीं ना कहीं फेलियर है फिल्म मेकर्स की, बनाने वालों की, कि अगर हम एक एक्टर को दूसरे रंग में नहीं देख पाते, ये आपकी कमी है एज अ क्रिएटिव इंडिविजुअल ना, हम वो रिस्क नहीं लेना चाहते जो भी है। जैसे मेरे लिए सबसे बड़ा एग्जांपल हमारी इंडस्ट्री का अमरीश पुरी है। आई थिंक ही इज अ कल्ट फिगर, ही इज हैड ग्रेट करियर, बट आई वुड से कि दैट वाज अ वेस्ट ऑफ अ करियर, क्योंकि जब मैं उन्हें गर्दिश में देखता हूँ, जब मैं उन्हें घातक में देखता हूँ, जब मैं उन्हें विरासत में देखता हूँ, तो मुझे लगता है मुझे तो ये अमरीश पुरी और देखना है, और ज्यादा अच्छे करियर उनको विलेन बना दिया, वो कर दिया, जबकि कितने डायमेंशंस थे अमरीश पुरी के जो हम कभी देख ही नहीं पाए। तो मुझे लगता है अगर अच्छे एक्टर्स हैं जो अपने आप को किसी चीज में ढाल सकते हैं, तो वो इसमें भी ढाल सकते हैं और उसमें भी ढाल सकते हैं। बहुत ही कम लोगों को ये नसीब होता है, अपने देश में तो बहुत ही मुश्किल है कि सिर्फ सपनों के लिए काम करो। और एक्चुअली जब मैंने मतलब कॉलेज टाइम में भी जब सोचा था कि प्रोफेशनली करूँगा एक्टिंग, तो हाथ पैर सूज गए थे ना, फूल गए थे माँ बाप के, और क्या कानपुर पागल हो गया ये, इसका दिमाग खराब हो गया। मैं तो मुंबई जब आ गया था, तो यहाँ से आके फ़ोन किया था, नौकरी वोकरी सब छोड़ छाड़ के, जब कि मैं मुंबई आ गया हूँ, यहीं रहूँगा अब। तो तुम मैं माँ तो मेरी मैं उनको विजुलाइज कर सकता हूँ उधर कानपुर में जब फ़ोन उठाया हुआ ना, कि बैठी गई होंगी वो खड़े खड़े सोफे पे ना। मैंने 2004 में की फिल्म के प्रीमियर में आई वाज इनवाइटेड। फिल्म का नाम था होप एंड अ लिटिल शुगर। अच्छा, आपने मतलब देखी हुई है? मेरी पहली मुझे वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जिन्होंने ये फिल्म देखी हुई। और आपका काम मुझे इतना अच्छा लगा था, उसके बाद यकायक आप कहीं खोसे गए। am I right in saying कि उस फिल्म के बाद जो आपका लीड रोल था, you're coming back as a bonafide lead in a film which you completely own and have on your shoulders. Yeah, you could say that. But मुझे नहीं लगता कि मैं ही इसमें लीड हूँ. हाँ. क्योंकि जब आप लोग देखेंगे फिल्म तो इस तरीके कुछ है ही नहीं इस फिल्म में कि मैं लीड हूँ. हाँ. Maybe I am the most known actor in this film, but I am sure after watching this film, all of them, especially the kids, will be much more known than I am. तुझे समझ भी आता है क्या बोलती है या तुक्का मार देता है? ये आइडिया कहाँ से आया? आइडिया तो बहुत पुराना है. 2009 में मैं एक नौकरी करता था चैनल में, जहाँ पे मेरे साथ मेरा एक दोस्त बैठता था अनिमेश. तो वो बिहार से आता है और क्योंकि हमारी फिल्म माइग्रेशन पे है, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो उसने मुझे एक कहानी सुनाई थी और मेरे लिए पर्सनली मुझे ये हमेशा बॉदर करता रहा है बचपन से ही कि जब मैं अपने आसपास के बहुत सारे लोगों को देखता था जो मुझे लगता है जैसे हम शहर आते हैं, मुझे फिल्में बनानी है, इन्हें एक्टिंग करनी है. हमारे जैसे लोग जब आते हैं तो वो जायज़ है, वो किसी चीज़ के लिए आते हैं, किसी एक मकसद के लिए आते हैं, पर 90% जो जनता है वो इसलिए आती है क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है. तो हमारे आसपास जब भी मैं बड़ा हो रहा था लोग देखता था, वो अपने बच्चों को साल में एक बार देखते थे, वो हर बार एक साल बाद की कहानी लेकर वापस आते थे जो एक महीने के लिए जाते थे. तो वो चीज़ मुझे हमेशा से बॉदर करती थी और जब अनिमेश ने मुझे एक कहानी बताई तो मैंने कहा यार ये तो मैं बनाना चाहूँगा. वो 2009 की बात थी, तब ख्वाब था कि ऐसा बनाएंगे, कभी देखेंगे वैसा. तब हम जब करने बैठे तो हमें लगा कि पहाड़ इसके लिए एक बहुत अच्छा मेटाफर है कि वो जो दुनिया है जो खूबसूरत है हर तरीके से और मासूम भी है. हमने माइग्रेशन को बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, क्योंकि हमने हमेशा ज़्यादातर माइग्रेशन को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि कोई शहर आता है और किस तरह से वो शहर में सफ़र करता है, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं देखते कि वो छोड़ के जो आया है. जो मुझे मतलब मेरे लिए मुनव्वर आना का एक शेर है जो बहुत पर्टिनेंट है इस फिल्म के लिए कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं. क्या बात है. चिड़िया जाती है खाना लाने बच्चों के लिए, जाती है ना, वैसे मुझे भी जाना पड़ेगा ना. चिड़िया रात वापस आती है, आप आओगे रात वापस. विवेक, बहुत प्यारा म्यूजिक है इस फिल्म का, वो म्यूजिक किसने दिया है, जरा म्यूजिक के बारे में बताएं. तो म्यूजिक मेरे एक बहुत सीनियर दोस्त भी हैं, डैनियल बी जॉर्ज हैं, जिन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए बैकग्राउंड स्कोर किया है, अंधाधुन, बवाल, बेल बॉटम. तो ये गाने डैनी ने सारे बनाए हैं, फिल्म का बैकग्राउंड भी डैनी ने दिया है और गाने मैंने लिखे हैं क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि वो हर एक बच्चे का एक इमोशन है जो भी अपने बाप के कंधे पर बैठा है कि तेरी उंगली थामूं तो लगे कि मैं आज़ाद हूँ, तेरे कांधे बैठूं तो लगे कि मैं आकाश हूँ. ब्यूटीफुल, रोना आ जाएगा सबको बता रहा हूं. सच में. तो ये जो क्लाइमैक्स है ये बड़ी कमाल की चीज़ हुई. मैं एक दिन डैनी के पास गया और डैनी के स्टूडियो में कमाल ट्रैक चल रहा है और मैंने कहा यार ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है और मैंने डैनी की बहुत तारीफ वारीफ की, यार बड़ा तो क्या कमाल है, ये तो रिजेक्ट हो गया. अभी मैंने कहा रिजेक्ट हो गया, कौन रिजेक्ट कर रहे हैं. पहले तो ये क्या, मैं फिल्म का नाम नहीं लूँगा, किसी और फिल्म के लिए बना था वो, तो वो उस फिल्म के लिए बना था और वो उसी वक्त रिजेक्ट हुआ था. तो मैंने उन्हें कहा एक काम करो, ये मुझे दे दो, ये मैं अपनी फिल्म में डालूंगा. और मुझे क्योंकि उसका टोन बहुत अच्छा लगा था और मुझे पता था कि मेरी फिल्म का टोन से कहीं ना कहीं तो मैच हो रहा है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ. और कई बार वो होता है ना कि आप अगर सीधे रास्ते जाओ ना तो आप वहाँ नहीं पहुँचते, लेकिन कोई और चीज़ आपको धक्का दे देती है उसकी तरफ, क्योंकि लिखा है. तो वो म्यूज़िक सुन के मुझे ये लगा कि यार व्हाट इफ़ दिस इज़ द क्लाइमैक्स पीस. और फिर आपको गॉडफादर याद आती है कि जहाँ पे, क्योंकि आपको क्या रियलाइज़ होता है कि तब तक आपने जो कहना था वो सब कह दिया है, अब सिर्फ महसूस करने के लिए. नो डायलॉग्स आर नीडेड. सो देयर वर अ लॉट ऑफ डायलॉग्स जो क्लाइमैक्स में लिखे गए थे, पर फिर वो सब निकाले गए, सिर्फ ये रखा गया और इसके ऊपर वो चीज़ बनाई गई. अरे इसमें एक बड़ा अच्छा सीन है, आपकी बॉस प्रकाश से पूछती है ब्रिटिश एक्सेंट में, प्रकाश व्हाट इज चुड़ैल. मैडम चुड़ैल, मैडम चुड़ैल इज यू सी पीपल ट्री, यू नो पीपल ट्री, सो फीट ऑपोजिट एंड हैंगिंग अपसाइड डाउन, You see and you run, madam. चुड़ैल. ये जिस तरह का इंसान है, जिस तरह का कैरेक्टर है, समझाने भी लग जाता है कि चुड़ैल क्या होती है. क्या हो जाएगा बड़ा आदमी बनके? मुझे तो दुगनी सैलरी भी कोई देगा तब भी नहीं जाऊंगा शायद. आपको कोई आधी सैलरी में ना ले जाए. जिंदगी है ये खेल एक प्यारे, तू कभी जीते तू कभी हारे। देखे हैं कभी ऐसे पापा? विवेक, there are three children जो पोस्टर में भी हैं, अरिष्ट, आरोही and दिव्यांश. Am I getting the names right? जी, जी. My God, they are so good. And I think एक बच्चे को तो मैंने कई प्रोजेक्ट्स में देखा है, which means he's a trained actor. But where did you get them from and what was that? So दिव्यांश जो है वो मैं हमेशा अपने सेट में बोलता था मेरे पास दो सीनियर एक्टर हैं, एक अमित और एक दिव्यांश. दिव्यांश आई थिंक इज प्रोबेबली द बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट इन द कंट्री. कौन सा है इसमें से? दोस्त जो है पीछे ओके चश्मे में जो है, he is far ahead from his age. He knows his marks, he knows his lighting, he's crazy good, he's that good. भानु और ज्ञान की दुकान. बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हुए? कभी-कभी आइडिया हमारे पास आता नहीं, हमें खुद चल के आइडिया के पास जाना पड़ता है. देखिए अंकल, जीवन जो है उसका अर्थ सब अलग अलग है. घर जाओ. तो दिव्यांश मेरे दिमाग में पहले से था, लेकिन दिव्यांश इन दोनों से थोड़ा सा बड़ा है, तो वो था कि यार इन लोगों के साथ फिट होगा नहीं होगा. तो दिव्यांश की कास्टिंग मैंने करके कंफर्म नहीं किया उसको. मैंने उसको बोला मैं तेरे को तभी कंफर्म कर पाऊंगा जब मेरे पास बाकी दो बच्चे हों. अरिष्ट और आरोही जो थे वो बहुत लेट कास्ट हुए. मैं कुछ नहीं तो कम से कम 100-125 बच्चों से पर्सनली मिला हूँ और उससे ज़्यादा मैंने ऑडिशन देखे हैं. बट ऑब्वियसली आप पर्सनली मिलो तो चीज़ें बदल जाती हैं, अलग हो जाती हैं. ये आखिरी के 1.5 महीने के अंदर ये दोनों लॉक हुए हैं, जब बाकी चीज़ें लॉक हो गई थी. और आरोही तो ऑलमोस्ट वाज लेट गो. प्यारी है आरोही. क्या बात कर रही है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या बात कर रही है? नाचो ताई. संस्कृत का इंडियन बात करेंगे प्रभु. तो आरोही का तो बड़ा कमाल एक इंसिडेंट हुआ था. आरोही ने जब आके पहली बार मुझसे मिली थी, ऑडिशन दिया था, तो बहुत अच्छा किया था उसने. फिर क्या हुआ कि वो अकेले में था, सिर्फ मैं था और कास्टिंग डायरेक्टर थे. फिर दूसरी बार जब वो आई तो मैंने तीनों को बुलाया कि मैंने कहा मेरे को देखना है तीनों साथ में कैसे लग रहे हैं, ताकि पता लगे कि ये क्या है. और ये अलग अलग जगह रहते हैं, वो लुधियाना रहता है दिव्यांश, ये दोनों अभी बम्बई में रहते हैं. तो जब मैंने बुलाया तो उस दिन आरोही बात ही नहीं कर रही है. अब ये दोनों डायलॉग बोल रहे हैं, वो रिएक्ट ही नहीं कर रही है. तो मुझे लग रहा है यार फिल्म 25 दिन दूर है, ये गलती तो नहीं हो गई मुझसे कि ये क्या किया जाए इसका. तो अब मैं भी सोच रहा हूँ उस वक्त कि क्या क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए. तो उसकी मम्मी ने आके मुझे बोला कि आज ना उसकी तबीयत ख़राब है. और ऐसे में क्या होता है ना, बहुत बार क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे फिल्म में करें, तो वो कई बार आपको लेकिन कुछ तो ऑनेस्टी थी उस बात में. मुझे एक बार भी नहीं लगा कि मुझसे झूठ बोल रही हैं वो. तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं हम कल दोबारा करते हैं, उसको ठीक होने दीजिए, कल परसों जब भी हम दोबारा करते हैं ये. और वो जेन्युइनली इसकी तबीयत खराब थी. जब वो वापस आई तो वो पटर 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 तो प्यारा बोलती है फिल्म में. अरिष्ट इन तीनों की बड़ी अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं एक्चुअली. शी इज़ वेरी इनोसेंट, वेरी टेंडर. आपको उसके साथ जब काम भी करना है तो आपको बड़ा ध्यान रख के. और वो अरिष्ट थोड़ा ढीठ बच्चा है, जैसे अक्सर लड़के होते हैं, तो उसके साथ बड़ा तो उसको डराना भी पड़ता था बीच बीच में. अच्छा, डराना मतलब वो उसको ये हीरो बनेगा फिल्मों में. हाँ, उसको समझाना पड़ता था कि भाई तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हारी कहानी है, तुम इसे आगे यहाँ से लेकर जा रहे हो. हम पापा को शहर जाने से रोक लेंगे कि भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं. इसे करोगे तो मैं कैसे जा पाऊंगा? आप कर लीजिए, आपको जो करना है और हमको जो करना है वो हम कर लेंगे. हम गॉड से बोले कि हमें बस पापा चाहिए. वो जहाँ हम शूट कर रहे थे उसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. हमें गांव कैसा मिला, तो मैं रेकी पे गया था, तो वहाँ एक लोकल जो कोऑर्डिनेटर थे जो हमें दिखा रहे थे जगह, तो हमने लिख रखा था ये कि एक तालाब है, तालाब के पास एक गांव है जिसमें एक स्कूल है, एक होटल है, कुछ पुराने घर हैं, ऐसा कुछ हमने लिखा हुआ था. तो मैंने वही उनको ब्रीफ दिया कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए. तो उन्होंने कहा हाँ सर, लेकिन ना वो तालाब के आसपास बिखरे होते हैं गाँव में, दिखाता हूँ आपको. तो मैंने कहा ठीक है. तो फिर ये उत्तराखंड में हमने शूट की थी, तो वो मुझे पहले लेकर गए ऊपर, चीज़ें मुक्तेश्वर दिखाया उन्होंने मुझे बिनसर दिखाया, उन्होंने मुझे रानी खेत दिखाया. तो और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो मेरी लोकेशन है नहीं, जो तालाब ही नहीं है उनमें से किसी भी जगह में. तो मुझे लग रहा है यार ये तो गलत है, लेकिन फिर आप पहली फिल्म बना रहे हैं, आपको लगता है कि यार टाइम भी कम है, चीज़ें. तो हमने बिनसर को एक टेंटेटिवली बोला कि अगर नहीं कुछ मिला तो बिनसर हम शायद कर लेंगे. अब हम वापस आ रहे हैं, मुझे दिल्ली से फ्लाइट पकड़नी है, और मैंने कहा यार एक तालाब तो दिखा दो, मैं उत्तराखंड आया हूँ, मतलब यहाँ तो नैनीताल में कितनी ताले हैं. तो उन्होंने कहा अच्छा सर हमारे रास्ते में ना एक तालाब पड़ेगा, वो दिखा देता हूँ मैं. तो हम गए और एक जगह उन्होंने रोका जो फिल्म का ओपनिंग शॉट भी है. तो मैं उसे देख रहा हूँ और मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं उससे पूछ रहा हूँ ये तालाब है? तो उसने कहा हाँ सर. मैंने कहा स्कूल है यहाँ पे? तो उसने कहा हाँ सर वो स्कूल है. तो मैंने होटल, हाँ सर एक होटल है। मैंने कहा पुराने घर हैं? तो उसने कहा, तो मैंने कहा 4 दिन से तुम कर क्या रहे हो, मुझे ऊपर घुमा रहे हो जो ये पूरा तुमने उत्तराखंड घुमा दिया है। तो उसने कहा कि नहीं सर, वो सबको ना वो ऊपर शूट करना होता है क्योंकि वहाँ वो ज़्यादा बर्फ। तो मैंने कहा यार लेकिन वो तो रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो कई बार वो भी एक्चुअली फिल्म मेकिंग में बहुत होता है कि आपका परसेप्शन क्या है ना कि सामने वाले को क्या चाहिए, वो चीज़ें डिसाइड कर देता है रादर देन स्क्रिप्ट। और वो बड़ी सारी लिखा हुआ था। हाँ लिखा। पर एक चीज़ उस लोकेशन के बारे में मैं और कहना चाहूँगा कि एक फिल्म की जो एनर्जी होती है ना, मुझे लगता है वो उसके आसपास की चीज़ों से भी आती है। हम जब वो उस जगह थे, ये खुरपा ताल करके एक जगह है नैनीताल से 30-35 मिनट दूर है, तो वहाँ पे जब हम थे ना तो वो क्या था, वो गांव एक्चुअली हमारे लिए एंड में तो ऐसा हो गया था हम किसी के भी घर में घुस जाते थे और सब लोग सब एक दूसरे को जानते थे। हम आते जाते स्माइल करने लगे एक दूसरे को देखकर। 5वें 10वें दिन के आसपास ना वो एक बड़ा चेंज जो आपको लगता है ना कि अब आपका हक है इस जगह पे और उनका हक है आपके ऊपर। कमाल कमाल यार, मतलब मैजिकल था वो एक्सपीरियंस। तो वो भी चीजें ट्रांसलेट होती हैं फिल्म के अंदर। अमित के लिए वो बच्चे हैं, मतलब अब वो आप कंफर्टेबल, जो हम कई बार हम सेट पे आते हैं, हम 3 दिन कुछ शूट करते हैं, फिर कुछ और करने चले जाते हैं, फिर आप वापस आके फिर जीरो से शुरू करते हैं। तो वो जो जीरो से शुरू करने में कई कई चीजें, मतलब हम ऑब्वियसली वी आर ऑल प्रोफेशनल्स और आप चीजें मैनेज करते हो, लेकिन जब वो नेचुरली हो जाए ना तो उसके अंदर एक एडेड लेयर आपको मिल जाती है उस ऑनेस्टी की। जब बाहर जाते हो ना तो फिर आप वहीं रहते हो। हाँ। आप डेडिकेटेड हो उस फिल्म के लिए या उस काम के लिए। सब्जेक्ट को जस्ट अभी मुंबई में क्या कि गए शूट पे, वापस आए, तो मेरे को ये सब करना बड़ा अच्छा लगता है घर के लिए ना। कि जैसे अभी मैं आ रहा था आपके स्टूडियो में गाड़ी में, तो वाइफ को पता है कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है। तो बीच में आ गया कि एक लिस्ट आ गई कि आम, केला, सेब, भिंडी, पालक, ये सब ऑर्डर कर देना, क्योंकि हमारा बीच में लफड़ा हो गया था कि तुम ठीक से फल और सब्जी नहीं मंगवा रही हो। तो उसने एकदम ऑपर्चून मोमेंट पकड़ा और मैं बोल रहा हूँ कि क्या कर रही हो यार, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। तुम कह रही नहीं तुम नहीं बोला था तुम मंगवाओगे, तो अभी चाहिए मंगवाओ। तो मुंबई में ये प्रॉब्लम है। तो अमित भी वहाँ थे पूरे वक्त, सारे बच्चे भी थे, सारी चीजें थी। बल्कि हमारा तो इतना वो जो जगह है वो ऐसी थी कि हम यहाँ तो ऐसा होता है ना कि अमित वैनिटी में है, किसी को भेजा जाएगा उनको बुलाने के लिए, अमित का एक कॉल टाइम है वो उस टाइम आएंगे। कैसे होता था वहाँ? तो मैं चिल्ला देता था अमित आ रहा हूँ तो ऐसे ही करके, तो उतना ही 100-125 मीटर के डिस्टेंस पे था। कैसे? once more अमित आ रहा हूँ यार, 1 मिनट 5 मिनट में आ रहा हूँ, रायता खा रहा हूँ। तो वैसा पूरा यार वहाँ का रायता जो था ना, वो जो बनाते हैं वो पता क्या करते थे वो कि रायता खाएंगे। हमारे यहाँ का एक रायता होता है तो सरसों का पता नहीं मस्टर्ड ऑयल डाल के कुछ, तो उसको एक एक तड़का लगा के कुछ। तो मैंने कहा कैसे बनाओ? कह रहे नहीं बस कुछ नहीं। तो पीछे कूदा, वो दीवार कूदा, वहां से काकड़ी वाकड़ी तोड़ी, उसको छीला बिला, वहीं पे बनाया। वहीं का दही है क्योंकि गाय बंधी हुई है। मैंने कहा यार यहाँ तो यही रह जाना चाहिए, यहाँ तो साइड डिश है। मुझे तो याद है हम लोग मुक्तेश्वर जब पहुंचे थे पहले दिन, तो एक लॉज सा था बिल्कुल रोड के कॉर्नर पे ही, तो कुछ खुला और अंदर से बहुत ही ब्यूटीफुल था, वुडन लॉज वॉज टाइप का वुडन रूम था वो। और फिर बालकनी गए, बालकनी वाज ओवरलुकिंग द वैली, तो वो सामने वैली है, नीचे पूरा डिप है, पहाड़ के एकदम एज पे था वो। और जो बादल थे ना वो बालकनी के नीचे थे। अंदर नहीं, हरदम नीचे थे। तो हम लोग बादल के कारपेट, मैंने इसको देखा, इसने मुझे देखा, मैंने कहा ये क्या जगह है यार, ये कहाँ है, ये सब जगह कहाँ पड़े हुए हैं हम लोग। और ये क्या ट्रेजेडी है ना कि ऐसी जगह छोड़ के लोगों को आना पड़ता है। सच में एक्चुअली यही तो कहानी है कि वही कहानी है। प्लीज, इट्स माय पर्सनल रिकमेंडेशन एंड रिक्वेस्ट, डू नॉट मिस तिग्रम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्लेजर।